प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर की जो स्थानीय कक्षाएं हैं, इनके वार्षिक मूल्यांकन के संबंध में राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा दिशा निर्देश जारी किए जा चुके हैं, जो कि 23 मार्च 2022 को जारी किए गए, जिसमें बताया गया कि जो लोकल एग्जाम है कक्षा 1 से 4 और कक्षा 6 और 7 में, वो किस प्रकार से होना है, इसमें जो क्वेश्चन पेपर है कुल कितने अंकों का आएगा, कितने पार्ट में आएगा, इसके लिए सारा शेड्यूल और सारे दिशा निर्देश इसमें दे दिए गए हैं। साथ ही इसमें बताया गया कि जो परीक्षाएं हैं वो 16 अप्रैल से 23 अप्रैल 2022 की अवधि में होगा। अब इसमें जो आदेश जारी किया गया था, इसमें समय सारणी नहीं दी गई थी, तो आप समय सारणी इसमें देख सकते हैं। कुछ इस प्रकार से राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा कक्षा 3 व 4 व कक्षा 6 व 7 के लिए समय सारणी दी गई है, जिसमें 28 मार्च 2022 को जो प्रोजेक्ट की वर्कशीट है वो कक्षा 3, 4, 6 व 7 चार कक्षाओं में जो प्रोजेक्ट की वर्कशीट है वो वितरित करना है। कक्षा 1 व 2 में प्रोजेक्ट की वर्कशीट नहीं रहेगी। इसमें जो अभ्यास पुस्तिका के अंत में जो मूल्यांकन सीट है, इस मूल्यांकन सीट से कक्षा 1 व 2 में छात्रों का मूल्यांकन होगा तीनों विषयों में। अब कक्षा 3 व 4 और कक्षा 6 व 7 के लिए जो प्रोजेक्ट की वर्कशीट है, इन्हें 28 मार्च 2022 को छात्रों को वितरित कर देना है। इसके पश्चात इसमें समय सारणी दी गई है, 16 अप्रैल 2022 से 23 अप्रैल 2022 तक जो छात्रों का मूल्यांकन लिया जाना है, इस संबंध में समय सारणी इसमें प्रेषित की गई है। इस समय सारणी को आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। ये थी स्थानीय कक्षाओं की समय सारणी के संबंध में एक महत्वपूर्ण जानकारी। आशा है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं कुछ इसी प्रकार की जानकारी के साथ में अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।